स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। 7.2 एक्सरसाइज जो है हमारा बेस्ड है सेक्शन फार्मूला पे। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, सपोज़ ये हमारे पास कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट कोई बी। अब ये यहाँ पे एक बिटवीन में पॉइंट है हमारे पास, सपोज़ ओ। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ओके, ये इसके क्या है कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसको हम नेम दे रहे हैं एक्स वाई से। अब देखिए, ए ओ और ओ बी एक किसी रेशियो में डिवाइडेड है। अब ये मिड पॉइंट नहीं है यहाँ पे ओ। ओके, अगर मिड पॉइंट होता तो 1:1 में डिवाइड होता। सपोज़ मैंने इसको डिवाइड किया 2:3। अब ये मैंने आपको एग्जांपल दिया 2:3 में डिवाइड किया। बेसिकली इसको मैंने नेम दे दिया M1 और इसको मैंने नेम दे दिया M2। यानी M1 और M2 पार्ट में ये क्या हुआ है, रेशियो में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है M1 और M2 पार्ट। तो अगर मुझे XY निकालना है, ओके, अगर मुझे क्या निकालना है, XY निकालना है, तो उसके लिए मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला है। ओके, इसके लिए मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला है। वो डायरेक्ट फार्मूला क्या है, अगर आपको एक्स निकालना है तो फार्मूला है M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। ये क्या निकालने का फार्मूला है, ये हमारा निकालने का फार्मूला है एक्स। अगर हमको वाई निकालना हो तो वाई निकालने के लिए भी हमारे पास वाई, देखिए ये पॉइंट है XY, ये वाला पॉइंट M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस Y2। तो ये सेक्शन फार्मूला है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन को हम लोग किसी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं और उस रेशियो में डिवाइड करने के बाद जो वो पॉइंट है उसके हम लोग डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला M1 बाय यूजिंग M1 M2 इन एक्स एंड वाई। सो दिस इज नोन एज सेक्शन फार्मूला। दिस इज सेक्शन फार्मूला। अब हम लोग एक्सरसाइज पर फोकस कर रहे हैं। एक्सरसाइज है हमारी 7.2। एक्सरसाइज है हमारी 7.2 एक्सरसाइज में जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स इसके आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, 7 and 4, -3 इन द रेशियो 2:3। आपको रेशियो यहाँ पे मैंशनड है। ओके, रेशियो क्या गिवन है आपको, आपको रेशियो गिवन है 2:3। तो यहाँ पे आपकी M1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। कोऑर्डिनेट्स मैंशनड है क्या है, -1, 7 और 4, -। तो ये क्या हो जाएगा X1, ये हो जाएगा Y1, ये हो जाएगा X2, ये हो जाएगा Y2। फार्मूला हमारे हमको पता है, मैंने यहाँ पे आपको फार्मूला बताया। X = क्या होगा M1 X2। M1 क्या है हमारे पास 2, X2 क्या है 4 प्लस M2 X1, M2 क्या है 3 और X1 क्या है -1 अपॉन में M1 प्लस M2। M1 है 2 और M2 है 3, तो ये कितना हो जाएगा 5। ये कितना आ गया 8 -3 अपॉन 5, ये आ गया 1। 1 आ गई एक्स की वैल्यू। वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला अगेन है हमारे पास M1 Y2। M1 कितना है 2, Y2 कितना है -3। प्लस M2 X1 कितना है 3 और Y1 आएगा, पहले X1 था Y1 आएगा, बिकॉज Y के लिए M2 Y1 कितना है 7 अपॉन कितना आ जाएगा 5। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा -6 + 21 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 5, दैट इज 3। तो क्या आ गया, XY कितना आ गया, XY आ गया हमारा 1, तो यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, ये क्या थी, यहाँ पे एक लाइन थी हमारे पास। ओके, लाइन क्या थी, यहाँ पे मेंशन था -1, 7 और यहाँ पे 4, -3। आपने क्या निकाल दिए, कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए XY। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया 2:3 के बन गया। ठीक है, मैंने आपको फिगर भी बता दिया इस तरीके से। क्वेश्चन सेकेंड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या क्या बना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 and -2, -3। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, एक लाइन को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, एक लाइन को आपको क्या करना है, 3 पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। सपोज हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, हमने यहाँ पे मैंशन कर दिया नेम ए
बी। ए बी के लिए उसने क्या कहा है, लाइन सेगमेंट हमको क्या गिवन है, 4-1 और -2, -3। ट्राई सेक्शन यानी तीन पार्ट्स करने हैं, तो ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया दो पार्ट, तो ये वन 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 पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, ये वन 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 पार्ट, ये सपोज पी क्यू है, ये पी है, ये क्या है, क्यू पॉइंट है। ठीक है, ये पी पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है, क्यू पॉइंट। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वल तीन इक्वल पार्ट्स में, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में, ट्राई सेक्शन मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में, ये वन है, ये वन रेशियो मतलब वन रेशियो वन रेशियो वन, ये तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो देखिए सपोज आपको पहले अगर ये निकालना है पॉइंट, ये हो गया एक्स वन वाई वन, ओके, ये हो गया एक्स टू वाई टू, और यहाँ पे मैं नेम दे दे रहा हूँ एक्स कॉमा वाई, और इसके लिए नेम दे दे रहा हूँ एक्स डैश कॉमा वाई, बिकॉज ये पॉइंट्स हमको निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एक बात को समझिए, यहाँ से यहाँ तक जो है वो पार्ट वन है, और यहाँ से यहाँ तक वो कितने पार्ट्स हो जाएंगे, वन प्लस वन ये हो जाएंगे टू पार्ट्स, यानी ये पी पॉइंट से जो एम वन है वो वन है, और एम टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। देखो अगर इतना लेते तो आप वन रेशियो वन होता, लेकिन आपने ये लिया है तो ये वन प्लस वन टू पार्ट्स और ये वन पार्ट, तो वन रेशियो टू में डिवाइड हो रहा है। ओके, पी पॉइंट से वन रेशियो टू में डिवाइड हो रहा है, तो वन आपको एम वन मिल गया है, एम टू मिल गया है। ओके, एम वन और एम टू मिल गया है, एम वन है वन और एम टू कितना है टू, एम वन है वन और एम टू कितना है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको ये दोनों पॉइंट्स को गिवन है, ये दोनों पॉइंट्स गिवन है, बस आप इसको पॉइंट को निकाल लीजिए। तो कैसे निकलेगा, देखिए एक्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है एम वन एक्स टू, एम वन कितना होगा, वन होगा इस केस में, और एक्स टू कितना होगा, एक्स टू है ये पॉइंट -2, ओके, प्लस एम टू कितना है 2, और एक्स वन कितना है 4, डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, यानी 3 हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 3। तो ये क्या -2 प्लस -2, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 6/3, कितना आ गया 2। ओके, ये आ गया 2। अब इस तरह वाई हम लोग कैलकुलेट करेंगे, y कैसे निकालेंगे, m1 y2, m1 1 है, y2 कितना है, y2 टू यहाँ से देखेंगे हम, y2 कितना है -3, यहाँ पे पुट करेंगे -3, प्लस m2 y1, m2 कितना है, m2 आपने देखो 2 लिया है ना, ये देखो 2 है। फिर क्या होगा, m2 y1, y1 कितना है, y1 है -1, कितना हो जाएगा, देखिए m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया -3 -2/3, यानी -5/3। तो x पॉइंट और y पॉइंट आ गया आपका, x और y का डिफाइंड हो गया, वो पॉइंट क्या डिफाइंड हो गया, डिफाइंड हो गया 2-5/3। अब इसी तरह आप ये कैलकुलेट करोगे, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको आप कैलकुलेट करोगे बाय टेकिंग रेशियो। अब देखिए इस केस में अभी आप कौन से में थे, देखो इन ए पी एंड पी बी, ए पी एंड पी बी में थे, तो एम वन वन और एम टू टू हो रहा, लेकिन अब आपको क्यू पॉइंट लेना है, तो ए क्यू और क्यू बी लेना पड़ेगा, इन ए क्यू एंड क्यू बी। ए क्यू तक देखिए क्या डिफाइंड है, 1+1, ये क्या डिफाइंड है 2, और ये पार्ट कितना हो गया 1, तो m1 इस केस में कितना है 2 है, m1 कितना है इस केस में 2 है, और m2 कितना है, m2 है 1। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, x कितना आएगा, देखिए x डैश, यहाँ पर मैंने x डैश मेंशन किया है, ये देखिए x डैश मेंशन किया, तो यहाँ पर मैं x डैश से सॉल्व करूँगा। x डैश क्या होगा, देखिए m1 फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फार्मूला यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया है, ये फार्मूला है, ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूँ तो आप थोड़ा फोकस करिएगा। m1 x2, ओके, m1 कितना है 2, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, -2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -2, प्लस m2, m2 कितना है 1 है 1, m2 x1, x1 कितना है 4, यहाँ पे क्या पुट करेंगे 4, डिवाइडेड बाई m1 + m2 कितना आ जाएगा, m1 + m2 3 आ जाएगा।
ये माइनस फोर प्लस फोर अपॉन थ्री यानी जीरो, तो आपको एक्स डैश क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। इस तरह वाई डैश कैलकुलेट करेंगे, वाई डैश के लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन। एम वन हमारे इस केस में क्या है, एम वन है टू, एम वन वाई टू, वाई टू कितना है माइनस थ्री, ओके प्लस एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन, एम टू कितना है, एम टू है वन, और वाई वन कितना है, वाई वन है माइनस वन, अपॉन थ्री हो जाएगा बिकॉज एम वन, ये कितना हो जाएगा माइनस सिक्स माइनस वन अपॉन थ्री, तो ये आ गया माइनस सेवन अपॉन। तो आपके ये पॉइंट्स क्या डिफाइंड हो रहा है, एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश डिफाइंड हो रहा है जीरो कॉमा माइनस सेवन अपॉन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, ट्राई सेक्शन के लिए ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास फोर पार्ट्स होंगे, हमारा एक क्वेश्चन है फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो उस केस में सेम कॉन्सेप्ट आप यूज़ करोगे, आपको तीन पॉइंट्स मिलेंगे, तब आपको वन 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 में डिवाइड होगा, तो वन रेशियो थ्री, टू रेशियो टू और थ्री रेशियो वन में डिवाइड होगा। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है, उसके लिए इसको सेम इसी तरीके से करेंगे, लेकिन आपको उसको जैसे हमने ये दो बार सॉल्व किया था उसमें आपको तीन बार सॉल्व करना होगा। टाइट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, टाइट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में जैसे फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट्स माइनस थ्री कॉमा टेन एंड सिक्स कॉमा माइनस एट इज डिवाइडेड बाई माइनस वन कॉमा सिक्स, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें रेशियो निकालना है जिसमें वो डिवाइड हो रहा है, तब आपको एम वन अपॉन एम टू निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। देखिए मैं एक नया फार्मूला यहाँ पर आपको बता, अगर मैं इस पूरे को एम टू से डिवाइड कर लूँ, अब न्यूमरेटर डिनोमेटर को m2 से डिवाइड कर लूँ, तो यहाँ पे m1 वन अपॉन एम टू एक्स टू प्लस एम टू अपॉन एम टू एक्स वन अपॉन एम वन अपॉन एम टू प्लस एम टू अपॉन एम वन। तो ये इस रेशियो को हम लोग एक k ले लेते हैं रेशियो, यानी हम लोग इसको क्या डिफाइन कर देते हैं, k इक्वल्स टू एम वन अपॉन एम टू डिवाइड कर, तो ये क्या हो जाएगा, k x2 प्लस x1 अपॉन k x2 प्लस x1 अपॉन क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ये m2 m2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा k प्लस वन वन आ जाएगा ये। तो ये हमारा x निकालने का एक और ये फॉर्मूला है, मतलब x अगर आपको गिवन हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो k निकालने के लिए, और k क्या है, k ही तो हमारा m1 अपॉन m2 है, हमने m1 अपॉन m2 को रिप्लेस कर दिया k से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इसकी मदद से हम लोग सॉल्व करते हैं, आपको यहाँ पे x1 क्या दिया, देखिए माइनस टेन कॉमा माइनस टेन माइनस थ्री कॉमा टेन और सिक्स कॉमा माइनस एट, ये हो जाएगा एक्स वन, ये हो गया एक्स टू, सॉरी ये हो गया वाई वन, ये हो गया एक्स टू और ये हो गया वाई टू, ठीक है। और एक्स वाई भी आपको गिवन है, एक्स वाई यानी जो आप फाइंड करते थे पहले आप उनको गिवन, बिकॉज ये क्या कर रहा है, लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो ये आपको गिवन है एक्स कॉमा वाई। तो हम क्या, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमने यहाँ पर लिखा है एक्स इक्वल्स टू के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे x आपको गिवन है माइनस वन, माइनस वन यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ k x2, ये x2 है, ओके x2 कितना है, x2 टू यहाँ दिया हुआ है सिक्स, ये हो जाएगा सिक्स प्लस x1 कितना है, x1 है माइनस थ्री, तो यहाँ पे पुट करोगे आप माइनस थ्री अपॉन k प्लस वन, तो k प्लस वन तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस के माइनस वन इक्वल्स टू सिक्स के माइनस थ्री। इसको हम लोग उधर भेजेंगे, k को उधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के उधर जाएगा तो प्लस के हो जाएगा, और माइनस थ्री को उधर भेजोगे तो माइनस वन प्लस थ्री इक्वल्स टू सिक्स के प्लस के, तो ये हो जाएगा टू इक्वल्स टू सेवन के, k की वैल्यू हो जाएगी टू बाई सेवन, ओके। तो आपको m1 अपॉन m2 क्या मिल जाएगा, टू बाई सेवन, यही आपका क्या है आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के, फिफ्थ के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए वन माइनस फाइव बी माइनस फोर कॉमा फाइव इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। देखो जब एक्स एक्सिस से डिवाइड करोगे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या, वाई क्या होगा हमारा, जीरो होगा, ठीक है, वाई क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, आप देखो फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग
वन माइनस फाइव एंड माइनस फोर कॉमा फाइव इज डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सिस। देखो आप वाई निकालने के, आप वाई निकालो इससे, के फॉर्म में आएगा, उस वाई को ज़ीरो कर देना। ओके उस वाई को क्या कर, उस के को वाई को क्या कर देना, ज़ीरो कर देना। मैं बता रहा हूँ आपको, हिंट दे रहा हूँ इसमें सोल्यूशन के रूप में। हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया, हमने कहा कि वाई जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो देखो आप जानते हो अगर मैं इस फॉर्मूले को जो आपको मैंने बताया था एक्स के लिए के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन, वाई के लिए क्या हो जाएगा, वाई के लिए हो जाएगा के वाई टू प्लस वाई वन, के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन। अब वाई को आपको ज़ीरो करना है, वाई कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे आपको y2 और y1 दिया हुआ है, y2 और y1 की वैल्यू पुट करिएगा, यहाँ से आपका k आ जाएगा, वही क्या होगा आपका आंसर। सिक्स क्वेश्चन में क्या है, इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 आर द वर्टाइसिस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो देखिए इसमें हमको x और y फाइंड करना है। x और y कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, कोई भी जो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, कोई भी पैरेललोग्राम होगा, मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, मैं आपको फिगर बना देता हूँ, तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सॉल्यूशन सिक्स। तो हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम है, ओके, कोई भी हमारे पास पैरेललोग्राम है, वो एक ऑर्डर में हम उसको ले रहे हैं। ओके ऑर्डर में लिख रहे हैं, इन द सेंस सपोज ये मैंने पैरेललोग्राम लिया, मैंने मेंशन किया ए, एक ऑर्डर मैंने क्या लिया, 1, 2, ओके, बी लिया मैंने 4, y, ये बी पॉइंट हो गया, सी लिया मैंने 6, ये हो गया सी, और डी लिया मैंने 3, 5। अब देखिए मैं इसके डायगोनल्स बना रहा हूँ, ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं, मैं इसके डायगोनल्स बना रहा हूँ। देखिए जब इसके डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे, 1:1 में डिवाइड होंगे, 1:1, ये 1:1 में डिवाइड होंगे, ये 1:1, ये 1:1। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1, 2 और यहाँ पे x, 6। अब देखो कोई भी जब 1:1 के लिए हमको डिवाइडेड m1 होता है, m2 होता है, तो फॉर्मूला हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सपोज़ आपको x निकालना है, ये पॉइंट निकालना है x, y। अब देखिए इस लाइन के लिए x, y और इस लाइन के लिए x, y दोनों एक ही हैं, यानी आप इधर से आप फॉर्मूला x निकालो और यहाँ से यहाँ पे y मेंशन है, तो मैं यहाँ पे x1 y1 कर दे रहा हूँ, बिकॉज xy यहाँ पे है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे x-y- कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए x- का हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। अब डायगोनल्स क्या होता है, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी m1 भी 1 है और m2 भी क्या है, 1 है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए ना। तो m1 और m2 की जब 1 वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x1 plus x2 upon 2। तो x- अगर हमको निकालना है तो x- कितना आ जाएगा, x के साथ इसको ऐड करो x+1, ओके x+1 हो गया, प्लस 6+2, यानी 6+2 ये हो गया अपॉन 2 हो गया, तो ये आ गया x+1 upon 2। अब प्लस अलग कर देते तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए इसको एक मिनट, 6+2 कितना हो जाएगा, 8, तो ये आ जाएगा 6 कोऑर्डिनेट, मैं एक मिनट वैल्यूज चेक कर लूँ नहीं तो बाद में मिस्टेक हो जाएगी, 1, 2, 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x+1 plus 8 upon 2, यानी ये आ जाएगा x+9 upon, ये क्या आ गया, x-। इसी तरह y- कैसे निकालोगे, y- के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y1 plus y2 upon 2। उसको y क्या है, y1 ये ले लीजिए आप 2 और y2 क्या हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, देखिए एक मिनट, यहाँ से आप इसको हटा दीजिए, मैंने यहाँ पे x- क्या कहा, x-=x1+x2। x1 क्या है हमारे पास, x है, और x2 क्या है, 1 है, मैंने y भी उसमें ऐड कर दिया था, तो ऐसे होगा, ये देखिए x-x+1 upon 2। इस तरह आप y- कैसे निकालोगे, y1 plus y2 upon 2, y क्या है 6, y1 2 6 कुछ भी ले सकते हो, y1 2 ले देते हैं 2 और y2 कितना हो जाएगा 6, 6 upon 2 ये कितना हो जाएगा 8 upon 2 यानी 4। तो
आपको एक्स डैश और वाई डैश मिल गया। अब आप ये कौन सी लाइन से मिला, इन ए बी से, इन ए बी लाइन से, इन ए बी। अब बी सी डायगोनल से ए सी से मिला ये आप, ए सी डायगोनल से आपको क्या मिला, इन ए सी डायगोनल से आपको मिल गया एक्स डैश और वाई डैश। ओके, अब आप बी डी डायगोनल से भी निकाल सकते हो, इन बी डी, बी डी डायगोनल से भी क्या निकाल सकते हो, एक्स डैश और वाई डैश निकाल सकते हो। तो बी डी डायगोनल के लिए देखो क्या हो जाएगा, एक्स कितना है, एक्स वन कितना है फोर, और एक्स टू कितना है थ्री, तो फोर प्लस थ्री कितना हो जाएगा सेवन अपॉन टू। तो आप क्या करोगे देखो, एक्स डैश इक्वल्स टू थ्री प्लस फोर अपॉन टू, ये कितना हो जाएगा सेवन अपॉन टू। वाई डैश कैसे निकलेगा, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, वाई डैश कैसे निकलेगा, देखिए वाई डैश यहाँ से क्या निकलेगा, y डैश निकलेगा y प्लस फाइव अपॉन टू, वाई प्लस फाइव अपॉन टू, वाई प्लस फाइव अपॉन टू हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये x डैश है, ये y डैश है, ये x डैश है, और यहाँ पे भी x डैश और y डैश आपका है, दोनों कंपेयर कराओ। यहाँ से आपका x डैश कितना है सेवन अपॉन टू, और यहाँ पे x डैश कितना है x प्लस वन अपॉन टू, दोनों को इक्वल करो। तो देखो x प्लस वन अपॉन टू इक्वल्स टू सेवन अपॉन टू, टू टू कैंसिल, x की वैल्यू आ गई सिक्स। ओके, और y कैसे निकालोगे, y को कंपेयर कराएंगे, y डैश को कंपेयर कराएंगे, y डैश कितना है यहाँ से फोर, और यहाँ से y डैश कितना निकला है वाई बाई फाइव, तो वाई बाई फाइव अपॉन टू इक्वल्स टू कितना है फोर हो जाएगा, तो y प्लस फाइव इक्वल्स टू एट, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री, तो x की वैल्यू सिक्स है और y की वैल्यू कितनी है थ्री। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ आपके लिए होमवर्क है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज टू माइनस थ्री एंड बी। यहाँ पे आपको ए पॉइंट नहीं गिवन है, मतलब आप इसका अगर डायग्राम देखो सेवन्थ क्वेश्चन का, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना है। ए बी हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल है, ये सपोज हमारा सर्कल हो गया, इसमें ए बी क्या है, डायमीटर है। ओके, ए बी डायमीटर है, और सेंटर क्या है, टू कॉमा माइनस थ्री, ये सेंटर सपोज ओ हो गया, ये टू कॉमा माइनस थ्री है। अब बी कितना पॉइंट गिवन है आपको, वन कॉमा फोर, आपको ये निकालना है, आपको इस बार आप क्या निकालना है, एक्स वन और वाई वन निकालना है, ये हो गया एक्स कॉमा वाई, और ये हो गया एक्स टू कॉमा वाई टू। फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, सेक्शन फार्मूला, आप बस एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके एक्स वन और वाई वन निकाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सोल्यूशन एट, क्वेश्चन एट में क्या है, इफ़ ए एंड बी आर पॉइंट्स आपको गिवन है माइनस टू कॉमा माइनस टू, मैं आपको ये लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ए पॉइंट हो गया ये, और ये हमारा बी पॉइंट हो गया। ओके, ये बी पॉइंट हो गया, ए एंड बी आर पॉइंट्स, ओके, यहाँ पे आपको गिवन है माइनस टू कॉमा माइनस टू और टू कॉमा माइनस फोर। पी कोई लाइन पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट ए बी में लाइन कर रहा है, सपोज पी ए पॉइंट है, ये लाइन कर रहा है ए बी में। अब यहाँ पे आपको गिवन है ए पी इक्वल्स टू थ्री बाई सेवन ए बी, तो देखो ए पी अपॉन ए बी कितना हो जाएगा, थ्री बाई सेवन, मतलब ए पी है थ्री पार्ट और ये होल पार्ट है सेवन, लेकिन हमको पी बी निकालना होगा तभी ना एम टू मिलेगा आपको, तो सेवन माइनस थ्री कितना हो जाएगा फोर, तो ये थ्री रेशियो फोर में डिवाइडेड, ये हो गया एम वन, ये हो गया एम टू, ये हो गया एक्स वन, ये हो गया वाई वन, ये हो गया एक्स टू, और ये हो गया वाई टू। अब कुछ नहीं करना आपको, बस फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ पे आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, यानी आपको एक्स वाई निकालना। एक्स कैसे निकलेगा, देखिए एम वन एक्स टू पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके रिविजन के लिए, एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, एम वन कितना है थ्री है, और एक्स टू कितना है टू, प्लस एम टू कितना है फोर, और एक्स वन कितना है माइनस टू, तो ये आ जाएगा आपका एम वन प्लस एम टू कितना हो जाएगा सेवन, तो ये कितना आ जाएगा सिक्स माइनस एट अपॉन सेवन, डेट इज माइनस टू अपॉन सेवन। वाई कैसे निकलेगा, वाई के लिए भी सेम फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट एम वन वाई टू कर रहा हूँ, एम वन कितना है थ्री, वाई टू कितना है माइनस फोर। स्टूडेंट्स प्लस एम टू कितना है फोर और वाई वन कितना है माइनस टू, तो ये हो गया अपॉन में सेवन, बिकॉज एम वन प्लस एम टू कितना आ जाएगा सेवन, तो ये कितना हो जाएगा, ये फोर है माइनस ट्वेल्व माइनस एट, ये माइनस ट्वेल्व और माइनस एट
अपॉन सेवन, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 20 अपॉन, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपने पी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। मैं आपको दो क्वेश्चंस के लिए हिंट देता हूँ, इसी क्वेश्चन से बहुत कुछ भी नहीं है। ओके, उसके दो ही क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, मैंने लगभग आपको हर क्वेश्चन के लिए हिंट दे दी है। क्वेश्चन 9 में आपको दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -2, 2 एंड B2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए, 4 इक्वल, मैंने 3 इक्वल पार्ट्स के लिए आपको बताया था ना, 4 इक्वल पार्ट्स के लिए आप क्या करोगे, 4 इक्वल पार्ट्स के लिए आप ये A पॉइंट ले लोगे और यहाँ पे आप क्या मेंशन करोगे, B पॉइंट, लाइन हमारी टिल्ट हो गई है। ठीक है, तो ये आपको मतलब आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक तो ये हो गया, ये दो, ये तीन, ये फोर, ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। यहाँ पे आप डिटरमाइन कर दो पी क्यू आर पॉइंट है हमारे पास। तो इसके लिए तो x1, y1 आपको पता है और यहाँ पे x2, y2 भी पता है। तो देखो, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स रहेंगे, तो पहले आपको क्या करना होगा, ये वन पार्ट लेना होगा और ये पूरे तीन पार्ट लेने होंगे और यहाँ पे x2, y2 और x1, y1 को सॉल्व करना होगा। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1। जब आप ये पॉइंट लोगे तो 2:2 में डिवाइड होगा, m1 m2। जब यहाँ से आप लोगे तो ये किस रेशियो में डिवाइड होगा, 2:2। और जब आप ये लोगे आर तक लोगे तो 3:1। तो m1 3 हो जाएगा, m2 1 हो जाएगा इस केस में, जब आर पॉइंट लोगे, क्यू पॉइंट में 2:2 होगा और बाकी आपको पॉइंट्स तो गिवन है। ओके, पॉइंट्स गिवन है। लास्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हमें, 10th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसिस आर 3:0, 4:5, 1:5, 2 इन ऑर्डर। देखो, इसमें आप क्या करना, आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है, ये हिंट भी दी हुई है आपको। आप क्या करना, इसके डायगोनल्स की लेंथ फाइंड कर लेना। ओके, और डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करके उसको क्या कर देना, वन अपॉन से मल्टीप्लाई करना। अब डायगोनल्स की लेंथ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, आप पढ़ चुके हो, ठीक है, ये एक्सरसाइज 7.1 का कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस ए बी कैसे निकालते थे हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला, वैसे हम लोग लेंथ भी उससे निकाल सकते हैं। तो टिकन ऑर्डर में आप ले लेना, ओके, और उससे क्या कर लेना, आप लोग लेंथ कैलकुलेट करके हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स की लेंथ मल्टीप्लाई करो।